हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हर टेक इन दी चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक फ्लैश रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि है सिंपेक्स कंपनी की। मॉडल नंबर है इसका VT531। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे आपको कैसे रिपेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से इसको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, फ्लैश ओपन करने से पहले हम इसमें सेल डाल के चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे हम उसी हिसाब से ओपन करेंगे कि हमें अपर साइड से ओपन करना है या डाउन साइड से इसे ओपन करना है। तो दोस्तों, सेल इसमें हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अब ये पावर का जो स्विच है, हम इसे ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, हमारे ये इंडिकेशन जो है, ये जो फ्लैश की लाइट है उसकी जो कैपेसिटी है, कम ज़्यादा करने के लिए होता है। प्लस से हम बढ़ा सकते हैं, माइनस से कम कर सकते हैं। मोड से हम मैनुअल, स्लेव, स्लेव टू, इस पे हम कर सकते हैं। और ये टेस्ट पॉइंट है, जब इंडिकेशन हमारा ग्लो हो जाए तो हम इसे टेस्ट से प्रेस करके चेक करते हैं कि ये फायर कर रही है या नहीं। तो दोस्तों, ये टेस्ट से हमारी जो फायर नहीं कर रही। अब हम किसी मेटल की चीज़ से नीचे हॉट शू को भी टच करके देखते हैं कि यहाँ से भी फायरिंग नहीं हो रही। तो फिलहाल दोस्तों, हमारी जो फायरिंग है वो वर्क नहीं कर रही। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो 90% हमारे चांसेस हैं, जो अपर वाली साइड है इसी में जो प्रॉब्लम आ सकती है, 90% इसी के ही चांसेस हैं। 10% हमारे चांसेस होते हैं कि जो नीचे वाला तरफ है इसमें से प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपर साइड से ही खोलेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या पोजीशन है इसकी। पावर को ऑफ कर देता हूँ। इसे ओपन करने के लिए हमें ये रबड़ के जो दो पैड हैं, दोनों पैडों को निकालना होगा। इसके नीचे क्लैंप दिए हुए हैं, क्लैंप भी ओपन करने होंगे, और ये दो स्क्रू हैं वो हमें खोलने होंगे। चलिए दोस्तों, हम इसे अब ओपन कर लेते हैं। किसी मेटल की चीज़ से हम इस रबड़ के जो पैड हैं इसे हम रिमूव करते हैं। जो दोनों क्लैंप हैं इसे भी हम निकालेंगे। ये जो दूसरी तरफ का पैड है इसे भी हमें निकाल लेना है, इसके क्लैंप भी हम निकाल देंगे। दोस्तों, ये जो दो स्क्रू हैं हमारे, इसे ओपन करना होगा। स्क्रू ओपन करने के बाद दोस्तों, इस ढक्कन को जो है यहीं से हमें ऊपर की तरफ खींचना होगा। अब हमारी जो फ्लैश है वो ओपन हो चुकी है। अब इसका जो ग्लास है इसे साइड पे रख देते हैं, ये भी साइड में रख देते हैं। ये जो लॉक है इसे भी निकाल लेते हैं, नहीं तो ये लॉक गुम होने का डर रहेगा। आप इसे निकाल के साइड में रख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो सर्किट है एक दिया गया है, जो फायरिंग का सर्किट है, एक हमारी जो ट्यूब है वो दी गई है। यहाँ पे तीन वायर जो हमारी जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से आ रहे हैं। जो दो वायर हैं वो हमारे मेन फिल्टर के हैं, डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं हाई वोल्टेज के। एक जो वाइट वायर है ये हमारी जो नीचे वाला इसका बोर्ड है वहाँ से IC के थ्रू हमें मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सर्किट है, इसमें एक कॉयल, दो PF और एक डायोड दिया गया है जो कि हमारे सर्किट को ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, जो इसमें इसका वर्किंग का है, इसकी जो रेड वायर है वो हमारी डायरेक्ट जो मेन फिल्टर है उसकी पॉजिटिव से ही जुड़ी रहती है, और जो ट्यूब की नेगेटिव वायर है वो हमारी फिल्टर के नेगेटिव से नहीं जुड़ी रहती। ये हमारी जो वाइट वायर है जो कि हमारी IC के थ्रू आ रही है उसके साथ कनेक्ट रहती है। ये नेगेटिव हमें ट्यूब पे तब मिलती है जब हम टेस्ट पॉइंट को प्रेस करते हैं IC के थ्रू। हमारी जो नेगेटिव है वो इस ट्यूब को मिलेगी और हमारी जो फ्लैश है वो फायर करेगी। तो दोस्तों, एक वाइट वायर है जो कि हमारी कॉइल के ऊपर लगी है, ये ट्रिगर की वायर है, ये हमारी कॉइल की जो ऊपर वाली पिन है इसके साथ अटैच रहती है। जो हमारी मेन फिल्टर की नेगेटिव है वो हमारी इस कॉइल के साथ अटैच रहती है जो कि सर्किट को ऑपरेट करने के लिए दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मैं इसको पावर को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इंडिकेशन हमारा आ चुका है।
अब सबसे पहले हम जो मीटर है उसे डीसी 600 की रेंज पे रखेंगे और मेन फिल्टर की जो वोल्टेजेस हैं वो चेक करेंगे। ये जो मेन फिल्टर की वोल्टेज है प्लस और माइनस, जो ब्लैक और रेड वायर है यहाँ पे आएगी, तो हमें यहाँ पे रख के चेक करने में थोड़ी दिक्कत होगी और यहाँ पे हाई वोल्टेज है, हमें शॉक लगने का भी खतरा है। प्लस अगर वो आपस में टच कर गए तो ब्लास्ट हो जाएगा और हमारा जो मेन आईसी है जो इसका फायरिंग का वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए आपको ये जो ट्यूब पे जो रेड वायर है एक प्रोब यहाँ पे रखनी है रेड वाली, क्योंकि ये पॉजिटिव जो डायरेक्ट हमारी मेन फिल्टर के साथ ही अटैच रहती है, और जो दूसरी नेगेटिव है उसको हमें कॉइल की जो अपर वाली पिन है जिसके साथ हमारी वाइट वायर ट्यूब की ट्रिगर की दी हुई है, हमें यहाँ रख के चेक करना है कि वोल्टेज यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मेन फिल्टर की जो वोल्टेज है वो हमें यहीं शो होगी जो कि 300 प्लस होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर की प्रोब लगाने के बाद भी हमें कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जो मेन फिल्टर की वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रही, बट हमारा फिल्टर जो है वो चार्ज हो रहा है क्योंकि इंडिकेशन हमारा बिल्कुल ग्लो है। अगर वो इंडिकेशन ग्लो नहीं होता, डिपर करता, तो हमारा जो फिल्टर है उस पर वोल्टेज नहीं आती। फिलहाल हमारे फिल्टर पे वोल्टेज आ गई है तो यहाँ हमें नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए हमें चेक करनी होंगी ये दो वायर ब्लैक और रेड, इनमें से कोई वायर या तो ब्रेकेज है जिसकी वजह से हमें नहीं मिल पा रही। हम इसे खींच के चेक करेंगे, रेड वायर तो ठीक लग रही है, ये देखिए दोस्तों ब्लैक वायर जो है वो हमारी खींचने से बाहर आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी वायर है ये ब्रेक है। ये देखिए दोस्तों रबड़ यहाँ से निकल चुकी है, हमारी वायर ब्रेक है। तो अब इस वायर को हम लगाने के लिए हमें या तो इस साइड को खोलना होगा, या फिर अगर हम यहाँ से लगा सकते हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब इस पावर को हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ लगाने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे आयरन लगाना होगा, नहीं तो आपका शॉर्ट होने का भी डर है। तो दोस्तों मैं यहीं से लगाने की कोशिश करता हूँ। जो कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ओपन करके कंडेंसर को पहले डिस्चार्ज करके किसी बल्ब के थ्रू तभी इस वायर को कनेक्ट कीजिए, नहीं तो इसका जो फायरिंग का आईसी है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो नेगेटिव की वायर है फिल्टर की वो मैंने कनेक्ट कर दी है। अब यहाँ से मैं पावर को ऑन करता हूँ, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे हम लगाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पे हमारी नेगेटिव। ये देखिए दोस्तों 323 वोल्टेज हमें मिल चुकी है, इसका मतलब जो मेन फिल्टर की वोल्टेज है अब हमें इस सर्किट पर आने लग गई है। अब हम टेस्ट बटन है जो उसको प्रेस करके चेक करेंगे कि फ्लैश हमारी वर्क कर रही है या नहीं। तो दोस्तों हमारी जो फ्लैश है वो वर्क कर रही है, ये देखिए। अब जो हॉट शू है, हॉट शू के नीचे भी किसी मेटल की चीज़ को लगा के चेक करेंगे कि, ये देखिए दोस्तों यहाँ से भी हमारी जो फायरिंग है वो वर्क कर रही है। तो अब ये हमारी फ्लैश जो है वो ओके हो चुकी है, अब हम इसे बंद करेंगे, पहले लगाएंगे लॉक, पावर को ऑफ कर देंगे। इसको इसका स्लाइड में लगा देंगे, जो इसका फोकस ग्लास है उसे भी हमें लगाना है। इसका उल्टा सीधा आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ है। उसके बाद जो ऊपर का इसका कवर है वो लगाएंगे हम।
कवर लगाने के बाद दोस्तों पहले हम ये जो दो स्क्रू हैं इसे हम टाइट करेंगे। स्क्रू कसने के बाद अब जो ये क्लैंप है ये लगाएंगे। अब इसकी जो रबड़ है आप यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लगा के भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये निकल जाएगा और कहीं गिर जाएगा। तो आप इसे बोन फिक्स से चिपका दीजिए। क्लैंप हमने लगा दिए हैं, इसकी रबड़ भी हम लगा देते हैं। ये देखिए ये लॉक जो दिए गए हैं इसके इनके खाँचों में ही एडजस्ट होंगे। ये देखिए हमारा लॉक भी वर्क कर रहा है। अब हम दोबारा से इसको ऑन करके चेक करते हैं, यहाँ से जो इसकी कैपेसिटी है उसको कम करते हैं, फायर करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारी जो फ्लैश है फायर हो रही है। यहाँ से इसको पावर को बढ़ाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ से भी फायर हो रही है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों हमारी जो फ्लैश है वो ओके हो चुकी है। तो देखा दोस्तों ऐसे ही आप बिल्कुल आसान तरीके से फ्लैश को रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप इसे रिपेयर कीजिए। अगर रिपेयर कर रहे हैं तो मेन फिल्टर का ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर हाई वोल्टेज होती है तो ब्लास्ट होने का डर रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।